नमस्कार साथियों, मैं अमरेंद्र सिंह आज फिर से मोदी रोज़गार दो मुहिम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे साथी मोदी रोज़गार दो हैशटैग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, रोज़गार के सवाल पर युवा मंच ससमय अपनी आवाज़ उठाता रहा है, चाहे संविदा का मामला हो, चाहे PGT का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे टेट का मामला हो, चाहे सुपर टेट का मामला हो, चाहे चपरासी का मामला हो, चाहे लेखपाल का मामला हो, चाहे दरोगा का मामला हो। लेकिन साथियों, आज ये विषम परिस्थिति हम लोगों के सामने आ गई है कि हम लोग मजबूर हैं एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए, हम लोग मजबूर हैं सोचने के लिए कि कैसे आंदोलन किया जाए सरकार रोज़गार के सवाल पे, हम लोगों से बात करें, हमारी बात को सुने और स्वयं रोजगार को कैसे, आखिर कब तक छात्रों के साथ मानसिकता के साथ खेला जाएगा, ये सवाल आप लोगों के पीछे बोर्ड पे है। बताइए, आखिर कब तक युवा बेरोजगार बेरोजगारी का दंश सहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखने में लगता है कि नहीं, ये बहुत छोटा सवाल है और हम और आप इस सवाल से परिचित नहीं हैं, क्योंकि लोग भूल जा रहे हैं कि अगर रोज़गार नहीं होगा, तमाम चीज़ तमाम सारे मुद्दे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चुनाव है, तमाम मुद्दों में हम और आप फंसे हैं, लेकिन रोज़गार जैसे प्राथमिकता वाले मुद्दे को हम आप भूल जा रहे हैं। साथियों, आप लोग एक बार यूनाइट होइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोदी रोज़गार दो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तो आप लोग भी 24 तारीख यानी कल बुधवार को दोपहर 11 बजे बालसन चौराहा प्रयागराज पर एकत्रित होकर मोदी रोज़गार दो इस कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए और मोदी सरकार योगी सरकार से रोजगार मांगिए। साथियों, आज ये दौर आ चुका है कि ये सरकारें हमको या तो बेवकूफ समझ रही हैं या तो अनपढ़ समझ रही हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं फिर भी हमें रोजगार क्यों नहीं दे रही हैं? क्या सरकार के पास खाली पद नहीं है? सरकार के पास क्या पैसे नहीं हैं? क्या सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं है कि हमको आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री डिप्लोमा करा के बेवकूफ़ बना के सड़कों पे दर बदर लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? क्या ये कहां तक यथोचित है? अब रोजगार के सवाल पे युवा हल्ला बोलेगा, रोजगार के लिए हल्ला बोलेगा, तो साथियों एक बार हाथ उठा के आप लोग हल्ला बोलिए 24 तारीख बुधवार को 11 बजे बालसन चौराहे पर। युवाओं का साथ दीजिए, युवा मंच के साथ आप लोग आइए और रोजगार के सवाल पर रोजगार मांगिए सरकार से। साथियों, तमाम संस्थान, बड़े बड़े संस्थान, यूट्यूबर्स आज 4 दिन से लगातार मोदी रोजगार दो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, उसी मुहिम को लेकर हम भी आगे आए हैं। मोदी रोजगार दो, आखिर मोदी योगी रोजगार के सवाल पे क्यों है? सारी चीजें हो रही हैं, रोड बन रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ही बेवकूफ समझा जा रहा है। क्या हम लोग इनका भाषण सुनने के लिए यहाँ आए हैं? इनको चुने थे तो रोजगार के लिए चुने थे, अच्छी हॉस्पिटल के चुने थे, अच्छी शिक्षा के लिए चुने थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज युवा दर बदर भटक रहा है। इनका अच्छी अच्छी रैलियों में पूरा खर्च हो रहा है पैसा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जुमला वाला भाषण ही सुना पा रहे हैं ये। तो क्या हम लोग भाषण सुनने के लिए इनके आए हैं? आप लोग देखिए, कई सारे मीम्स बने हैं, अच्छा नहीं लगता सरकार के प्रति, लेकिन हमको लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए, ये मीम्स हकीकत में सच्चाई है, इस चीज को हमको आपको समझना चाहिए, युवाओं को भी समझना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आजकल धर्म जाति विशेष इसी में सरकार उलझ के रह गई है, अपने आप को अच्छा साबित कर रही है, 2 करोड़ रोजगार दिए, 3 करोड़ रोजगार दिए। क्या 3 करोड़ रोजगार मिला है?
आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आपको 3 करोड़ माध्यम 3 करोड़ रोजगार बना है मिला है। साथियों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको रोजगार तभी मिलेगा जब आप लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये देखिए मोदी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं, युवा इनसे पूछ रहा है क्या आप नौकरी देंगे, भैया हाथ जोड़ ले रहे हैं। वास्तविकता यही है कि सरकार पूरी तरीके से हाथ उठा दी है, युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रही है। युवा आखिर कब तक सोएगा, आपको जागना होगा। हम लोग जगाने का पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब आपको घरों से निकलना होगा, सड़कों पे आना होगा, युवा तभी जागेगा। ये देखिए मोदी जी हमारे जुमला बेच रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अभी तक जो चल रहा था वो चला, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब हम लोग दोनों हाथ मुट्ठियों को बांध लिए हैं, पूरी तरीके से सरकार से रोजगार लेकर ही रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप लोग देखिए बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता को ना समझे। ये आप लोगों ने देखा होगा मिर्जापुर सीरीज का है, लेकिन वास्तविकता है ये। उस सीरीज में भी बताया गया कि अगर आप लोग योग्य हैं और आप लोगों को योग्य ना समझा जाए, आपको योग्य ना समझा जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है। तो साथियों आप लोग एक बार जोरदारी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम ग्रुपों, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी ग्रुपों में अब ये हमको नहीं चाहिए नौकरी, कौन सी नौकरी, कैसी नौकरी। अब इनको बताना है कि ये तमाम आपके जो 17 अक्टूबर को आपने दिया था कि इस विभाग में ये पद खाली हैं, उन पदों को अब आपको भरना होगा, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि आप रोजगार के मुद्दे से भटका के चुनावी जुमला देके हमको हमारी वोट लेने की आप कोशिश करेंगे। उसके लिए हम पूरी तरीके से, मोदी जी बोले थे कि पकौड़ा तलना है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है साहब, क्यों डिग्री लें हम, क्यों पढ़ें, क्यों सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा तलने के लिए हम पढ़ें। तो साथियों एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि निकलिए घरों से 24 तारीख को बुधवार को 11 बजे बालसन चौराहे पे आइए। मोदी सरकार को, योगी सरकार को ये बताइए कि अगर हमको आप पकौड़ा तलने के लिए बोल सकते हैं, तो हम भी आने वाले 2022 में आपको पकौड़ा तलने के योग्य बनाएंगे। आप चाय बेचे हैं लेकिन पकौड़ा भी बनाएं। ये देखिए बताइए बीटेक, एमटेक जैसी डिग्रियों को लेकर के लोग पकौड़ा तलने पे सरकार मजबूर कर रही है, आखिर ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी इनकी बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। ये सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए गए हैं, उसी को हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। हालांकि वो उनका अपना पर्सनल प्रोफेशनल है कि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं कि क्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार को भी इनको बढ़ाना चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं और जीते हैं, चाहे वो संविदा मामला हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, हर संघर्ष में हम लोग लड़े हैं और जीते हैं। इस बार भी हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो साथियों एक बार आप लोग जोरदारी तरीके से इस वीडियो को शेयर करिएगा, जब भी देखिएगा, इससे अगर युवाओं तक बात हमारी आपकी पहुंचेगी तो युवा जागेगा। और बिल्कुल कल बालसन चौराहे पर 11 बजे हर हाल में युवा आएगा। अगर युवा आ गया तो ये मान लीजिए कि सरकार जैसे संविदा नामक जैसे महामारी पे बैकफुट पे आई थी, वैसे ही इस प्रकरण पर भी रोजगार के प्रकरण पर भी सरकार बैकफुट पर आएगी। तो साथियों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और 24 तारीख सुबह 11 बजे बालसन चौराहे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। धन्यवाद।